अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जाएँ यहाँ पर जी, नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो गई थी, कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी, नहा धो लूँगी अपने बन के। तो यहाँ पर जी अब वो न्यूज़ सुन रहे थे, आवाज़ चेक करें किस किस घर में इस तरह से लाउड स्पीकर होकर न्यूज़ सुनी जाती है। तो यहाँ पर जी सफाई वगैरह सारा कुछ डन हो चुका था, सुबह का काम सब कुछ हो चुका था। तो यहाँ पर जी मैं ग्लूकोज पी लूँगी, 1 टेबल स्पून एक ग्लास में डालती हूँ, पी लेती हूँ, कैल्शियम और विटामिन डी है और यह सबको ही पीना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जितने ड्रिंक आप पियेंगे अच्छा है। तो यहाँ पर जी 60 SPF है, रिवाज का होता है 60 FF, वो हम मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भाई और मेरे हस्बैंड यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर क्या है कि वाइट जो कास्ट होती है वो नहीं है, ये प्लेन है बिल्कुल, क्योंकि लड़के अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर मैं अपना पर्स वगैरह से एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल रही थी और ये था मैंने ड्रेस पहना हुआ लीलन का, मौसम अच्छा था तो पहना जा रहा था अब तक। तो मैं यहाँ पर जी धूप देखें कितनी तेज़ निकली हुई है, बाहर मेड कपड़े धो रही है, तो साथ में आम का दरख्त लगा हुआ है, तो जितनी कैरियाँ थी मैंने सारी उतार ली। तो चटनी बना ली, ज़रूर शेयर करूँगी। ये नहा धोकर फ्रेश हो गई, मैंने एक दो फ़ोटो शूट कर ली, बहुत ही प्यारी लाइट आ रही थी, तो विंडो के पास खड़े होकर एक दो मैंने पिक्चर बनाई। ये वाला ड्रेस पहना, बहुत ही सुकून मिला पहन कर। तो हस्बैंड को फ्रॉक, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा फ्रॉक पसंद है, तो मैं आपने अक्सर देखा होगा मैंने फ्रॉक पहने हुए होते हैं। अगर दो सूट होंगे, एक मैं फ्रॉक बनाती हूँ, एक सूट बनाती हूँ। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से नमाज़ वगैरह पढ़ी, कितना सुकून हुआ हुआ था। गर्मियों में वैसे भी बड़ा दिल करता है सोने को ना, तो यहाँ पर हस्बैंड आराम कर रहे थे, बल्कि सब लोग ही आराम कर रहे थे। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक वगैरह पढ़ा और ये रखी हुई है, इसकी वीडियो मैंने शूट की थी। तो कुरान पाक जितना हो सकता है मैं उतना पढ़ती हूँ, चाहे मेरे से 2 रुकू पढ़े जाएँ एक, लेकिन मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ। शाम का टाइम हो चुका था, सब लोग उठ गए थे, चाय वगैरह हाफ हाफ ही कप हम पीते हैं ज़्यादातर, तो बिस्किट थे। तो यहाँ पर मैंने बैदा खाला को दे दिए। अब जी मार्केट जाने का थोड़ा इरादा हुआ हुआ था, क्योंकि ब्रांड वगैरह पर डिस्काउंट वगैरह लगा हुआ है, तो ये मैं जूता पहन लिया अपना और ये मेरे हस्बैंड खड़े गप्पे शप्पे मार रहे थे मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने पर्स ले लिया अपना और चादर वगैरह पहन ली, जूता पहन लिया और जी हम लोग रवाना हो गए। ऑटो घर से घर के पास ही मिल गया था हमें, तो हमने ऑटो लिया और मैं, मेरी सिस्टर और अम्मी हम लोग चले गए ब्रांड की तरफ। तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ पसंद आएगा तो वो करेंगे। तो बहुत ही मज़े की कलेक्शन आई हुई है, समर कलेक्शन बहुत ही मज़े की। तो ये जी हम पहुँच गए और ड्रेस ये देख सकते हैं, ये है बनंदा सतरंगी पे, बहुत मज़े के ड्रेस आए हुए हैं। 5000 के अराउंड थे ये ड्रेस, क्योंकि 20% डिस्काउंट था, तो वैसे ये 5400 का मिल रहा था समथिंग, और वैसे डिस्काउंट में ये 480 का मिल रहा था, 4800 का मिल रहा था। ये है अनस्टिच ड्रेस, बहुत मज़े की कलेक्शन, ऐसे ये मज़े के आए हैं ना। तो ये वाला जो सूट था ना, ये तो मुझे बहुत पसंद आया था, ये न्यू फ्रेश है, इसका जो ये डिज़ाइन था मैंने वीडियो बनाते बनाते कैप्चर कर लिया, ताकि किसी भी ड्रेस पे इंसान बना सकता है। यहाँ पर जी ब्रीज़ा पे आए थे हम लोग, ब्रीज़ा पे भी बहुत मज़े की कलेक्शन थी, इनकी जो शॉल थी उस पर डिस्काउंट था 20%। अभी से अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहें तो करके रख सकते हैं, क्योंकि ईद में क्या ही टाइम रह गया है, और डिस्काउंट ये वो फिर तो नहीं लगता ना, ये अभी जितना लग जाएगा यही लग जाएगा। शॉल थी, शॉल 4000 के अराउंड थी, बहुत मज़े की शॉल थी। ये जी हम आ गए जी डोर पे दोबारा से, हमने सोचा कि देखते हैं इधर भी। तो यहाँ पर जो एक दो मैंने ये जो जूते थे मैंने ये ट्राई किए, ये वाला जूता भी बहुत मज़े का लग रहा था। ये देखें जूता कैसा मेंढक जैसा, मुझे ज़रा पसंद नहीं आया था किस तरह से अजीब सा जूता है। तो ये वाला जो ये है ना ट्रेड वाला, ये मुझे बहुत पसंद आया था।
बट क्या है कि मेरे पाँव में फिट नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने कर ली शॉपिंग वॉपिंग। अब हम लोग घर के लिए रवाना हो गए, घर आ चुका है। ये मस्जिद है, अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ तो अपने ब्लॉग में, तो ये मस्जिद है। हम लोग पहुँच गए हैं घर, घर जाकर फिर हम लोग नूडल्स वगैरह बनाकर खाऊंगी, क्योंकि अम्मी आ गई थी, अम्मी ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर जी मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ गई, समोसे थे ये चिकन वाले, बहुत लजीज, और नूडल्स बनाए थे, ये खा लिए। जब तक अम्मी चावल शावल बना लेंगे, फिर भाभी लोग आ गए थे, उनको चाय वाय देने लग गई थी। भाभी भाई के ससुराल आ गया था, उनको फिर मैंने चाय वगैरह सर्व की, जो भी था। तो फिर हम लोगों ने चावल खाए अपने सुकून से बैठ कर उनके जाने के बाद। तो यहाँ पर जी भाभी ने, जो उनकी अम्मी है, वो मेरी छोटी सिस्टर के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह लेकर आई थी, बहुत मज़े का टेस्टी है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो केकरस हैं इनका भी बहुत मज़े का टेस्ट है, और ये वाले जो बिस्किट हैं ना, ये जिनको मतलब कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी लवर्स हैं, तो सेम इतना सेम, ऐसे जैसे हमने मुंह में ना कोको पाउडर रख लिया हो, सेम उस तरह से इसका टेस्ट है। थी चीज़ें उसकी ट्राई मैंने करनी शुरू कर दी तो एक एक चेक किया। चिप हॉप है ये, और चॉकलेट है इसके अंदर, जिस तरह होती है वो है, बहुत मज़े का था। यहाँ पर जी बिल्कुल सुकून हो गया था, रात का टाइम था। ये है टेलकम पाउडर, मदर केयर वालों का है, गो रैशेज़। अगर आपने अपनी वो करनी हो, वैक्स करनी हो या थ्रेडिंग करनी हो, तो ये आप लगा लेंगे ना अगर, तो आई बिलीव के बिल्कुल भी आपके जो रैशेज हैं, रेडनेस है, बिल्कुल नहीं होगी। ज़रूर ट्राई करके ये वाला ना ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं क्या करूँगी कि मेरे, आपने बाल देख रहे हैं, आप ये देखें ग्रोथ हुई भी है। ईद वाले दिन मैंने किया था, तो ये इस तरह से ग्रोथ कहीं हुई है कहीं नहीं हुई, तो बहुत बहुत बेस्ट रहती है ये ना मशीन। तो जी मैं ये यूज़ करती हूँ, मैंने इसका फुल रिव्यू आपके साथ शेयर किया हुआ है, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी लिंक, देख लीजिएगा आप। बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। आप अपने ना पहले अपने हाथ पर अच्छी तरह से ना इसको रब करेंगे, ताकि कोई बाल अगर बैठे हुए हैं ना, तो वो खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैंने वो कर ली, बाल शाल अपने जो भी थे रिमूव कर लिए। तो मैं लेट गई सुकून से, मुँह शू मैंने धो लिया, फ्रेश हो गई। यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम थोड़ा सा यूज़ कर रही थी, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला राबिया 20, जस्ट 20, ठीक है, ये है। तो ये है मेरा रियल अकाउंट अपना, तो मैं इसमें कुछ पोस्ट वगैरह भी कर रही थी। ये था मेरा व्लॉग, तो रात में बस यही चीज़ें कर लेती हूँ, या अपनी वीडियो एडिट वगैरह कर लेती हूँ, और गपशप लगा लेती हूँ अपने हस्बैंड से अगर, तो फिर उसके बाद यही टाइम होता है, और कुछ ड्रामा सीरियल वगैरह देख ली अपने फेवरेट। तो फिर मैं क्या करती हूँ, बस ये चीज़ें वीज़ें देख कर फिर सो जाती हूँ। ये था व्लॉग, पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।